अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज आज उन्हें जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट होती वाले से आपके लिए रिव्यू लेके आते हैं। तो आज जो है रेगुलर बाइक सीरीज के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बाइक है क्राउन में ईवी 1000 वाट के, जिस वाले से आपके वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स हैं, वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्पेशली इस बाइक का कंपैरिजन करेंगे पेट्रोल बाइक्स के, पेट्रोल बाइक्स में नॉर्मली क्या एक्सपेंस आता है और इस बाइक का क्या खर्चा है, इस वाले से आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं जल्दी से रिव्यू की जाने। तो सबसे पहले मेनली जो बाइक का स्ट्रक्चर है सेम 70 स्टाइल में बना हुआ है, तो उस वाले से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो नॉर्मली जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं आम मार्केट में इजिली आपको मिल जाते हैं। बाकी जो चीज़ें पार्ट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। बाकी आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, ये बाइक परचेज करते हैं, तो अलहमदिल्ला ईवी के वाले से हमारे पास तमाम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है। उसके अलावा हमारे डोर स्टैप के ऊपर भी डिलीवरी मिलती है आपको, कोई भी पार्ट्स रिक्वायर्ड हो किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड। तो जो इसकी लाइट है सेम उसी टाइप की है, बट इसके अंदर जो है एलईडी बल्ब इंस्टॉल किया जाता है ताकि जो है बैटरी के ऊपर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना करे और लाइट की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी जो इसके शॉक सस्पेंशन है नॉर्मली 70 cc की तरह होती है। फ्रंट के ऊपर जो है 2/25/17 का टायर होता है और रियर के ऊपर 2/50/17 का टायर हमें मिल जाता है। और मोस्टली जो है क्राउन लिफान का अपना पार्ट्स इसके अंदर यूज़ किया गया, क्योंकि क्राउन लिफान जो है बेसिकली OEM वेंडर है तमाम कंपनीज़ का, पार्ट्स के वाले से एक नाम बोला जाता है क्राउन लिफान का, तो इस वाले से पार्ट्स सारे इसके अपने कंपनी के ही मैन्युफैक्चर हैं। बाकी जो इंपोर्टेड किट है उसके अंदर इसकी बैटरी इंक्लूड है, इसकी मोटर इंक्लूड है, इसकी असम्बलीज इंक्लूड हैं। जो ईवी से रिलेटेड जो जितना भी पार्ट्स है टोटल इंपोर्टेड है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है और ऑफिशियल जो वारंटी है कंपनी की उस वाले से आपको वीडियो में बताएंगे। तो अभी मेनली बढ़ जाते हैं इसकी बैटरी पैक की जानिब। तो ये इसका बैटरी पैक यहाँ पे लगा हुआ है 60W 30 A की इसके अंदर बैटरी यूज़ की गई है जो कि लिथियम आयन फॉस्फेट है और ऑफिशियल जो वारंटी है इसकी 1 year वारंटी है। इस बैटरी के बैकअप की बात की जाए तो ये 1 charge के ऊपर आपको तकरीबन 70 to 80 km मिनिमम ये एवरेज देती है, जो कि कंफर्म चेकिंग है। वैसे कंपनी क्लेम जो है अप टू 90 km है, बट 70 to 80 टेस्टिंग है जो कि परफॉर्मेंस कस्टमर ने भी चेक किए, तो ये आपको 70 to 80 km देगी। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी, तो आप डोमेस्टिकली अगर आप चार्ज करें तो ये 60 रुपये के अंदर तकरीबन आपको ये 80 किलोमीटर की माइलेज देती है। और इसका आपको कैलकुलेशन ग्राफ बताता जाऊँ, जैसे नॉर्मल यूजेज हो आपका एक बाइक का डेली का तकरीबन 300 रुपये का, जिस तरह के 300 रुपये के अंदर आपको तकरीबन जो है 1 liter तक 1 liter थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है और माइलेज आपको तकरीबन पेट्रोल बाइक के ऊपर 60-70 किलोमीटर मिलती है। इसकी आप कैलकुलेशन निकालें तो आपको ये तकरीबन मंथली 9000 का एक्सपेंस आता है और एनुअली चेक किया जाए तो 1,08,000 रुपये का एक्सपेंस आता है जस्ट फ्यूल की मद में। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट अगर लगाई जाए नॉर्मली 1000 के हिसाब से पर मंथ ऑयल फिल्टर के हिसाब से, तो आपकी मंथली 12,000 बनती है और ये टोटल जो कॉस्टिंग बनती है आपकी वो तकरीबन 120 बनती है 1,20,000 रुपये। और इसके कंपेयरली ये बाइक जो है आपको 2 साल के अंदर आपकी अपनी प्राइस पूरी करता है। तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, बाकी यूजेज ज़्यादा भी हो सकती है बाइक की, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी यूजेज कैसे है। वैसे नॉर्मली ये आपको विद इन 2 year अपनी जो बाइक है अपनी कॉस्ट पूरी कर देगा। तो बात कर लें इसकी रियर, ये मोटर की, तो रियर के ऊपर जो मोटर है 1000 वाट की मोटर है और मैक्स जो स्पीड है इसकी 60 to 65 किलोमीटर है। और यहाँ पे इसके जो असम्बलीज हैं और यहाँ पे इसकी टोटल स्पीड मोड होते हैं 1, 2, 3 जो इसका फास्टेस्ट मोड है, नंबर 3 है जिसके ऊपर आपकी इसको मैक्स स्पीड 60 to 65 किलोमीटर मिलती है जो कि मीटर के ऊपर भी आपको आती है। बाकी जो स्पीड मोड है वो आप जैसे जैसे चेंज करते हैं उस हिसाब से इसकी जो लाइट है वो इंडिकेट करती है। अब नंबर 3 के ऊपर है तो जैसे मैं एक्सीलेटर दूँगा तो ये रेडी टू गो है। ये इसकी पावर है और इसकी टेस्ट परफॉर्मेंस हमने ऐसे की हुई है पहले भी, कोशिश करेंगे कि अपकमिंग वीडियो में दोबारा से भी आपके लिए ये इसकी टेस्ट राइड परफॉर्मेंस लेके आते हैं। बाकी जैसे आपको मैंने बताया कि इसका जो रियर टायर है उसके ऊपर जो साइज़ है 2/50/17 का टायर इसके ऊपर रियर के ऊपर यूज़ किया गया है। शॉक सस्पेंशन वही एडजस्टेबल शॉक्स हैं जैसे नॉर्मल आम 70 के अंदर आती है, क्राउन 70 में भी अदर चाइनीज 70 के अंदर सेम इसी टाइप की शॉक सस्पेंशन आपको मिल जाती हैं। और सीटिंग कैपेसिटी जैसे नॉर्मल 70 cc 2 बंदे इजिली इसके ऊपर बैठ सकते हैं और
इजीली अपनी राइड जो एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली जैसे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपकी ट्रैवलिंग है तो उस वाले से बेहतरीन बाइक है। स्पेशली जो लोग डिलीवरी सर्विस के वाले से बाइक यूज़ कर रहे हैं या जिनका कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड काम है तो उस वाले से बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी कैलकुलेशन देख लें फ्यूल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताई है, तो आप उसको मंथली और ईयरली कैलकुलेट करें तो आपका वो पैसा फ्यूल की मद में और उसकी मेंटेनेंस की मद में जा रहा है, तो वही अगर आप सेविंग कर लें तो ये बाइक आपको 2 साल के अंदर आपको ये फ्री पड़ता है। और अभी जो इसका चार्जर हमने लगाया हुआ है चार्जिंग पोर्ट में, और इसके चार्जर की जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट और 8 एम्पेयर है और काफ़ी अच्छे किस्म का चार्जर बनाया है। जैसे आप चार्जर को लगाते हैं तो उसके साथ ही यहाँ पर इसका प्लग अडाप्टर यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे इस पोर्ट के अंदर चार्जिंग पोर्ट में, और इसको बटन से इजीली नॉर्मल की सेकंड में लगा के ऑन कर देंगे। तो अभी जो इसकी लाइट इंडिकेशन है वो रेड है, और जैसे ये चार्जिंग फुल होगा तो इसकी लाइट आपको ग्रीन हो जाएगी। चार्जिंग जो ड्यूरेशन है इसका तकरीबन 5 आवर्स के अंदर ये मैक्सिमम जो है आपकी चार्जिंग फुल हो जाती है और आप अपनी इसकी जो राइड को ईजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो हमेशा से हमारी ऑफ़र होती है तमाम प्रोडक्ट के साथ, तो इसके साथ भी ज़बरदस्त ऑफर चल रही है। 2,20,000 के साथ ही आपको ज़बरदस्त हाफ फेस हेलमेट एज अ कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा अगर आप बाइक परचेज़ करते हैं। डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं इस बाइक को डिलीवर करना चाहते हैं तो ईजिली अपने डोर स्टेप पर डिलीवर भी करवा सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जी, और ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको इस बाइक के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स फैक्स बताएँ। अब फैसला आपने करना है कि आपने पेट्रोल बाइक परचेज़ करना है या इलेक्ट्रिक बाइक, डिफरेंस आपके सामने है। और मेरी रिकमेंडेशन होगी तो आपको मैं ईवी का मशवरा दूंगा, क्योंकि अभी वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा ईवी के ऊपर मूव हो रहे हैं। लेकिन चॉइस कीजिएगा अच्छी ब्रांड का ताकि आपको उसके वाले से आफ्टर सेल सर्विस भी मिल सके। इसके साथ ही जो हमारा 2 सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इंक्लूडिंग हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पेशली टिकटॉक आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, उसको अभी लाजमी फॉलो करें। उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं और हमें अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही फैसल मुगल को ज़्यादा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।